आज के टाइम में आप इस विटामिन ई के कैप्सूल को बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हुए देख रहे होंगे, लेकिन क्या वाकई में इसके इतने फायदे हैं, या फिर कुछ बेवकूफ लोग आपको मिसगाइड करके नए बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। कुछ भी हो जाए, वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कैप्सूल कब इस्तेमाल करना चाहिए, किसे इस्तेमाल करना चाहिए, किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये किन किन चीजों में काम में आती है और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। लेकिन उन बातों को जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि विटामिन ई होता क्या है, इसका हमारे बॉडी में क्या क्या काम होता है और इसकी जरूरत को हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। तो देखिये, हमारे बॉडी को हमेशा स्वस्थ रहने और ठीक तरीके से काम करने के लिए एक एवरेज क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है, और उसी में विटामिन ई भी एक होता है, जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचाता है। आप में से अधिकांश लोगों को फ्री रेडिकल्स के बारे में पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लें। तो देखिए, हमारे बॉडी को ठीक तरीके से काम करने के लिए बॉडी के अंदर बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन्हीं रिएक्शंस के नतीजे से कुछ ऐसे एटम और सेल्स का जन्म होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, और इसी को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और इन्हीं फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे बॉडी में बहुत तरह की बीमारियां होती है, और साथ ही साथ एज रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है, जैसे स्किन का ग्लो होना, चेहरे पे रिंकल्स आना, बाल सफेद होना, बाल झड़ना, दांत कमजोर होना, आंखों का रोशनी घटना और बालों के टेक्सचर में बदलाव आना, ये सब कुछ केवल और केवल फ्री रेडिकल्स के वजह से ही होती है। ज्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोडक्शन के वजह से ही कुछ लोग कम उम्र के होने के बाद भी ज्यादा उम्र के दिखने लगते हैं, जबकि जो लोग नियमित रूप से विटामिन ई का सेवन करते हैं वो ज्यादा उम्र के होने के बाद भी कम उम्र के दिखाई देते हैं, क्योंकि विटामिन ई फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बॉडी सेल्स को बचाए रखता है। विटामिन ई स्किन, हेयर और हेल्दी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, साथ ही साथ ये एंटी एजिंग भी होता है, यानी जितना विटामिन ई आपके बॉडी को जरूरत होती है, अगर आप उतना विटामिन ई लेते हो तो ये आपके बूढ़े होने की गति को धीमा कर देता है। लेकिन आपके बॉडी को जितना विटामिन ई की जरूरत है, अगर उससे ज्यादा आप विटामिन ई को कंज्यूम करते हो तो जो एक्स्ट्रा विटामिन ई होता है वो आपके बॉडी में स्टोर होने लगती है, और इसका ओवरडोज का खतरा बढ़ जाता है, और इससे कई तरह के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। एक 14 साल से ज्यादा उम्र के सामान्य औरत और मर्द दोनों के बॉडी को एक दिन में लगभग 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग औरतें होती है, यानी कि जिन औरतों के दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनको डेली 19 से 20 ग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है, जो कि उसके बच्चे के ग्रोथ में और उनके हड्डियों को तेजी से बड़ा होने में बहुत मदद करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि विटामिन ई के जरूरत को पूरा करने के लिए किसी सप्लीमेंट या किसी कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सी नेचुरल चीजें होती है जिससे हमारे शरीर के मुताबिक विटामिन ई आराम से मिल सकती है, जैसे कि ब्रोकली, सोयाबीन, केले, अंडे, ड्राई फ्रूट्स और लगभग सभी तरह के दालों में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यानी अगर आप केवल दाल का सेवन ठीक तरीके से कर लेते हो ना, तो आपको कभी भी विटामिन ई के लिए बाहर से किसी कैप्सूल या किसी सप्लीमेंट को लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं इवॉन विटामिन ई कैप्सूल के बारे में। ये मैग बाय फार्मा कंपनी की है, जिसकी 200, 400 और 600 mg के कैप्सूल्स आते हैं, जो कि 25 से 30 रुपए में आसानी से मिल जाती है, जो कि काफी एफोर्डेबल है। अगर इसकी रंग की बात की जाए तो इसका लाल और जो हरा रंग है वो विटामिन ई की वजह से नहीं होता है, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल कलर को ऐड किया जाता है। ये एक तरह का जेलेटिन कैप्सूल है जो कि नॉन वेजिटेरियन को दर्शाता है। जेलेटिन जानवरों के चमड़े और हड्डियों से बनाया जाता है, जो कि शाकाहारी लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। विटामिन ई के कैप्सूल को लोग दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पहला इंटरनल यूज यानी कि खाने के रूप में, और दूसरा एक्सटर्नल यूज यानी कि लगाने के रूप में। तो पहले बात करते हैं इसके एक्सटर्नल यूज के बारे में कि इसे कहां कहां यूज किया जा सकता है। तो देखिए, अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल को अपने चेहरे पे मसाज करते हो तो ये आपके फेस में एक अलग ही ग्लो लेकर आती है। इसके अलावा अगर आपके डार्क सर्कल है, यानी कि आपके आंखों के नीचे काले धब्बे हैं, तो उसमें भी अगर आप इसे लगाते हो तो वो डार्क सर्कल हट जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपका होंठ बहुत ज्यादा काला है, तो अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल को हनी के साथ अपने होंठ पे मसाज करते हो तो आपका होंठ नेचुरली पिंक हो जाता है। इसके अलावा कोकोनट ऑयल के साथ अगर आप विटामिन ई के कैप्सूल को मिक्स करके अपने बालों पे मसाज करते हो
तो आपके बाल लंबे समय तक काले और घने रहते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी रुक जाती है। ऐसे तो विटामिन ई के कैप्सूल का एक्सटर्नल यूज का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए आप इसे बिना किसी डर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप इसे इंटरनली यूज कर रहे हो, यानी कि इसे अगर आप खा रहे हो, तो एक बार आपको डॉक्टर से इसके बारे में जरूर पूछ लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन में हमारे बॉडी को केवल 15 mg विटामिन ई की जरूरत होती है। और वहीं पे अगर आप किसी कैप्सूल का सेवन करते हो तो आप हर दिन अपने बॉडी को लगभग 200 mg से लेकर 600 mg विटामिन ई दे रहे हो, जो कि जरूरत से कहीं गुना ज्यादा है। और इसीलिए ये आपके बॉडी में जाकर स्टोर होने लगती है, और जब इसकी अधिकता होती है तो इसके कई तरह के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि अति हर चीज का खति होता है। अगर आप पानी को भी हद से ज्यादा पीने लग जाओ ना, तो वो आपके लिए जहर बन जाएगी। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारे बॉडी को जितना विटामिन ई की जरूरत है, अगर उतना विटामिन ई हम अपने बॉडी को देते हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाली है। तो इसका सबसे पहला फायदा है कि ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसी के वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमें डिप्रेशन होती है। लेकिन अगर आपके बॉडी में जरूरत के मुताबिक विटामिन ई है तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम बनते हैं और आपको स्ट्रेस बहुत कम होती है। इसका दूसरा फायदा है कि ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। देखिए, विटामिन ई हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जिससे हमारे हार्ट में कभी भी ब्लॉकेज नहीं आती है। यानी अगर आप जरूरत के मुताबिक विटामिन ई का सेवन करते हो तो आपको हार्ट रिलेटेड हार्ट अटैक जैसी समस्या कभी भी नहीं होगी। इसका तीसरा फायदा उन लोगों को होता है जिसको अनअल्कोहलिक फैटी लीवर है। आप लोगों को ये पता होगा कि फैटी लीवर उन लोगों को ज्यादा होती है जो कि शराब का सेवन करते हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं कि जो लोग शराब का सेवन नहीं भी करते हैं फिर भी उसको फैटी लीवर हो जाता है। यानी उसके लीवर में फैट जमा होने लगती है और धीरे धीरे करके वो उसके लीवर को डैमेज करने लगती है, और जिससे खाना ठीक तरीके से नहीं पचता है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है। इसका चौथा फायदा फीमेल लोगों को बहुत अच्छे तरीके से होता है, उन लोगों को जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है या फिर स्टमक में क्रैम्प आती है, उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि विटामिन ए पीरियड्स पेन को बहुत ज्यादा कम करता है। इसका पांचवा फायदा है कि अगर आप जरूरत के हिसाब से विटामिन ई का सेवन करते हो तो आपका स्किन अलग ही तरह से ग्लो करती है। इसका छठा फायदा है कि यह आपके कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है, यानी कि आपकी जो याद रखने की क्षमता होती है उसे कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। इसका सातवां फायदा है कि यह आपके लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि आज के टाइम में पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसका सबसे गंदा असर हमारे फेफड़ों में ही होती है, और जिसके चलते अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारी होती है। लेकिन अगर आप विटामिन ए ठीक तरीके से लेते हो तो आपके फेफड़ों में पॉल्यूशन का असर बहुत कम होता है। इसका आठवां फायदा है कि ये मेल और फीमेल दोनों के फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, यानी मेल्स में स्पर्म काउंट को तेजी से बढ़ाता है और फीमेल्स में एग्स को बनने में मदद करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर किया कीजिए, और इसी तरह के सही जानकारी को पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।